मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ गाँव, वहाँ पे तीन चार काम है। एक तो वहाँ पे बिजाई हो रही है, वो देखनी है। दूसरे नंबर पे जानवर का पता करना है, जानवर देना कुर्बान। रास्ते में कई रिक्शे देख रहा हूँ, भरे हुए जा रहे हैं। यहाँ पे मंडी लगती है, छूट फुल है, छूट फुलाना उसमें बहुत बड़ी मंडी लगती है। आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। दोस्तों, हम पहुंच रहे हैं छुंड पुल के पास। ये छुंड का इलाका है, छुंड परवाना। यहाँ पे ना मंडी लगती है, आपको सामने नजर आ रहा होगा काफी राश है। देखिए, रोड पे भी जानवर ही जानवर है। जो शहर में मंडी लगती है उससे काफी बड़ी मंडी है। क्या महके आ रही हैं सुबह सुबह, सुभान अल्लाह। जवाब है 40,000 का, ये 42,000 तक है। इस इलाके का बड़ा मशहूर चौक है, ये से चौक शाह शरीफ कहते हैं। इस साइड पे शाह जीवन है, इस साइड पे सरगोदा है। और तकरीबन 30-40 किलोमीटर के फासले पे मसन का मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। आज से 800 साल पुराना मंदिर है वो। साइड में शाह जीवन है जनाब, यहाँ के मखदूम फैसल साहब हो गया, सईदा आपदा परवीन हमारे एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी बिजाई हुई पड़ी है, गाड़ी लगी खड़ी है, वो सामने लगा रहे हैं, लेबर लगी हुई है वहाँ पे। माशाल्लाह अच्छी लगी पड़ी है। सोलर वाला ट्रेंड बड़ा चल गया है, वो सामने आपको सोलर नजर आ रहा होगा। एक ये लगा हुआ है, एक वहां पे लगा हुआ है, वो देखें, एक इधर लगा हुआ है। काफी सोलर लगे हुए हैं ज्यादा सारे, छोटा सा बच्चा मजदूरी कर रहा है। पानी बहुत बड़ा ठंडा है, मैं तो नहाने लगा। तो ये तालाब बना हुआ है जनाब, यहाँ पे ना इन्होंने छोड़ी थी मछलियाँ, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है। मछलियाँ इन्होंने निकाल ली, एक प्रोडक्शन लिया इन्होंने, उसके बाद बच्चा नहीं छोड़ा इन्होंने। ये इस साइड पे भी तालाब है पीछे हमारे, बड़ा प्यारा एरिया, खुला खुला यार। नेचर जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। ऐसी जगह पे ड्राइव करना या बाइक चलाना एक अलग लेवल है बॉस। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ तक नजर जाती है मंडी मंडी है। दोस्तों, मंडी में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये दोस्तों मंडी में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। हमारा किसी भी किस्म के लेन देन में कोई जिम्मेदारी, कोई शराकत दारी नहीं। इस बकरे का फाइनल इससे 36,000 का है, जिससे कम का नहीं दिया। बड़ा प्यारा है बकरा, ज़्यादा उम्र का नहीं है, जवान से बकरा। वैसे इस एज के खाने का होता है, इससे ज़्यादा गोश्त होता है ना सख्त होना शुरू हो जाता है। वो जो खड़े हैं उनके कद काठ तो बड़े हैं, लेकिन उनका गोश्त जो है ना इस लेवल का टेस्टी नहीं होगा जितना इसका। रेट बहुत मांगते हैं।
क्या रेट है? 95,000 के ये है, बेचना 85 का, 85 तक कह रहे हैं फाइनल हो जाएगा। बकरा अच्छा है, हैवी बकरा है, मंडी में रेट काफ़ी आ रहा है। इसकी क्या डिमांड है? 45,000 फाइनल। कितने तक हो गए फाइनल? पहला रेट पूछना है कि कोई फाइनल? फाइनल 10 40,000 का फाइनल। फाइनल 23,000 फाइनल। हज़ार का वो है, कोई रत्ता खलोता है। सामने वो एक वाइट बकरा नजर आया, उसका रेट वगैरह जाके पता करते हैं। बड़ा प्यारा जानवर है माशा। कितने का है? 1,25,000 फाइनल। कितने का देंगे? 1,10,000 1,10 का फाइनल हो जाएगा। अपना नंबर आप बता दें। 0346 0346 70 75 87 ये इनका नंबर है। एक ये बकरा है दोस्तों, के रेट शेड मंगया भाई है? 1,10,000 फाइनल। कितने दो इसे? 1,10,000 का कह रहा है, कह रहा है इससे कम नहीं होगा। बकरा प्यारा है, अच्छी खासी हाइट का। दुआ भी खाई दोनों का सेम रेट है। फोन नंबर भाई के पास नहीं है, यहाँ पे चुंड परवाना में ये मंडी लगी हुई है। क्या डिमांड है? 75। फाइनल कितने लोग? 75 का फाइनल, और 70 का कह रहे हैं फाइनल हो जाएगा। ये इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। ये बकरा जनाब इसका 55 डिमांड कर रहा है। क्या देखिए रेट है इसका? 60,000 मार। क्या बात है, वो बकरे हैं जनाब, इन दोनों की डिमांड कर रहा 95,000 भरवाने में। ये काफ़ी रेट बता रहे हैं यार, इतने रेट है ना। ये बकरा जनाब ये 40 डिमांड कर रहा है। फाइनल कितने का? 40 का महंगा भाई। दोस्तों मंडी का जो रेट है ना आज बड़ा अप है। हम तो वापस जा रहे हैं, कोई नहीं हिसाब किताब बना। बहरहाल ये है कि जानवर अच्छे थे, बड़े अच्छे अच्छे कादावर हेल्दी, क्योंकि अब घर चलते हैं। तो घर आ गए हूँ मैं, चूज़ों के निकाला था, इनको दाना वगैरह खिला के यहाँ पे अयाशी करते रहे हैं। बाहर निकाल ही रखा है इनको, अब इनको अंदर बंद किया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें और हमारी हौसला अफजाई हो। आपका बहुत शुक्रिया। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything.